सालों बाद मीरा को सालों हो गए थे द्वारिका में बसे हुए, सालों बाद चित्तौड़ की राजनीति में बदलाव आया, राजनीति बदली, राजा बदला, उत्तराधिकारी एक के बाद एक, अब आया राजा उदय सिंह गद्दी पर, जो महाराणा प्रताप का पिता भी था। कई लोग ऐसा मानते हैं कि राणा सांगा का छोटा बेटा था, कई लोग मानते हैं भोजराज का भतीजा था, जो भी था हमको उस गणित में नहीं जाना है। बात सिर्फ समझने की कि उदय सिंह गद्दी पर बैठा और उसके अंदर मीरा के प्रति आस्था जागी, भाव बना, प्यार जागा, श्रद्धा प्रेम जागा और उसको अंदर विचार चलने लगा, मीरा ऐसे भटक रही है गांव गांव में, शहर शहर में। पता लगाया, खबर तो रखते ही है ना दुनिया के लोग, भले तुम्हें कह भी दें जाओ फिर भी खबर रखते हैं, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। खबर तो सारी थी, यहाँ से वृंदावन गई, वृंदावन से द्वारिका गई। उसको अंदर लगने लगा कैसे भटक रही है जगह जगह, वापिस आ जाए। अंदर भाव आ गया, प्यार आ गया। एक बात तो खैर है ही, सत्य प्रकट होके तो रहता है। जितना मर्जी संसार विरोध पैदा कर दे लेकिन किसी के अंदर भक्ति सच्ची है, प्रकट ज़रूर होगी। किसी के अंदर प्रेम सच्चा है, प्रकट ज़रूर होगा। भले कुछ समय के लिए बादल आ जाएं, कुछ समय के लिए लोगों का प्रभाव बढ़ जाए, परिस्थितियां, कर्म कुछ भी बीच में आ जाए, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ ये सत्य फिर उजागर हो ही जाता है, क्योंकि सत्य है, उजागर हो के रहता है। आज समझो हमने किसी को सच्चाई से प्यार दिया, भले एक समय उसका मन कैसा भी हो जाए, पर आखिर फिर गुरु का प्यार याद आता है, क्योंकि सच्चाई से दिया गुरु ने, दिल से दिया, दिखावा नहीं किया। चाहे तुम कभी बहुत श्रद्धा से नहीं भी आओ तो भी तुम्हारे अंदर धीरे धीरे गुरु का स्थान बनने लगता है। ये उसके भीतर की सच्चाई है जो जाके स्थान बना लेती है। मीरा का किसी से वैर विरोध नहीं है, मीरा को किसी से शिकवा शिकायत भी नहीं है, मीरा का कहीं पर राग द्वेष भी नहीं है। सोई मीरा का जो प्यार है, भक्ति है, उसकी जो सच्चाई है, उसका एक दिन असर आना ही था। जितने कलंक दुनिया वाले लगाते हैं फिर आप ही बैठ के अपने कलंकों को धोते भी हैं। इसीलिए तुम देखना ज्ञानी निश्चिंत रहता है, वो कोई हलचल नहीं करता। हम परेशान हो जाते हैं, हमको कोई गलत कह रहा है, हमारे लिए कोई गलत सोच रहा है, सोचे
जब हम अंदर से अपने इष्ट से जुड़े हैं, पूरी तरह भक्ति में पगे हुए हैं, फिर मेरा भगवान ही मेरा रक्षक है, फिर मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर वो राज़ी है तो झगड़ा सारा ख़त्म है, वो राज़ी नहीं है दुनिया जय जयकारे भी लगा दे तो भी फ़ायदा नहीं है। मीरा अपने कृष्ण से राज़ी है, कृष्ण मीरा से राज़ी हैं, मीरा मस्त है, मौज में है, वहाँ द्वारिका में रणछोड़ दास जी का मंदिर, वहाँ मीरा रही। गलतफहमी में मत आना कि द्वारिका तो डूब गई थी, फिर मीरा कहाँ रही जाके। द्वारिका आज भी है, लोग जाते हैं घूमने। उस द्वारिका में नहीं गई, वो तो कृष्ण के सामने ही डूब गई थी द्वापर युग में। अगर वो 5-6 हज़ार साल पहले की बात है तो मीरा तो 500-600 साल पहले की बात है। वो द्वारिका तो नहीं थी, ना मीरा उस द्वारिका को ढूंढती हुई गई थी। उसको तो ये पता था द्वारिका में भी भगवान के चरण पड़े, उनकी लीला हुई, उनकी खुशबू है वहाँ पर, वो उसके पीछे गई थी। और वहाँ रणछोड़ दास जी का मंदिर है, उस मंदिर में जाके वो रही थी। उस मंदिर में रह पाई होगी, शायद डेवलपमेंट ही नहीं थी, वृंदावन में शोर ज़्यादा था कृष्ण का, वहाँ शांति पाई होगी, पंडितों पुरोहितों का शोर नहीं होगा, वहाँ मिल गया होगा भजन करने को, मिल गया होगा एकांत अपना रस पीने को, मिल गया होगा कोई झुरमुट कन्हैया के साथ खेलने के लिए, अपने गोपाल के साथ रास करने के लिए। सो वो वहाँ जा कर के रही। अब उदय सिंह को लगा बुलवाएं, तो उसने संदेशवाहक भेजे, पंडित भेजे, पुरोहित भेजे, कई सम्माननीय लोग भेजे, एक बार नहीं कई बार, और कहलवाया कि अब आप घर लौट आएं, जो कुछ भी आपके साथ हुआ पास्ट में, हम उस सब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, और आगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, पर पीछे जो हो गया उसे भुला के आप वापस आ जाएं। जो भी था, अत्याचार हुए, अनाचार हुए, जो परिस्थितियां ऐसी खड़ी हुई जिनके वजह से आपको घर से निकल के जाना पड़ा, हम उस सब के लिए माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, आप माफ़ी दो और वापिस आ जाओ। लेकिन मीरा हर बार एक ही बात बोलती थी, अब इस प्राण प्यारे को छोड़ के कहाँ जाना। प्राण प्यारे के पास बैठी हूँ, अब इसको छोड़ के कहाँ जाना। ध्यान देना, कहीं उसने तानेबाजी नहीं की कि अब याद आ गई, कहीं उसने ये नहीं कहा छोड़ो छोड़ो, एक बार सांप ने कैंचुली उतार दी दोबारा पहनता नहीं है, पड़ रही है ना अब कद्र। कुछ नहीं, सिर्फ एक बात कह के लौटाती थी
कि अब इस प्राण प्यारे को छोड़ के कहाँ जाना। बैठी हूँ इसके चरणों में, बैठी हूँ इसकी शरण में, भक्ति की आखिरी मंजिल यही है। भक्त धीरे धीरे हर माया से असंग होता हुआ परम प्यारे के चरणों से जुड़ जाता है, उसकी शरण में आ बैठता है और बाकी सारी माया से असंग हो जाता है। मीरा को ज़रूरत ही नहीं लग रही है कहीं जाने की आने की, ये परम प्यारे की शरण बहुत अच्छी है। बैठी हूँ इसकी शरण में, छत्र छाया में सकून से बैठी हूँ, मुझे क्या करना। बिलनी ने भी दर्शन किए प्यारे के और प्राण त्याग दिए, अब और किसी की आवश्यकता ही नहीं है। जीवन रहे तो उनके सामीप्य में सानिध्य में, वरना जी के ही क्या करना। भक्त कभी अपने लिए कोई मध्यम मार्ग नहीं खोजता है कि मैं ज्ञान से संतुष्ट होके बैठ जाऊं, ऐसा करके बैठ जाऊं, वैसा करके बैठ जाऊं, निश्चय करके बैठ जाऊं। उसके पास विकल्प नहीं है, तीसरा अल्टरनेट नहीं है। बड़ा सीधा सीधा गणित है उसका, जैसे अभी भगवान ने बताया, या तो प्रीतम की चर्चा या प्रीतम का दीदार। उसका मैथमेटिक्स इतना ही है, उसकी थ्योरम यहीं से दोती है बस। या तो चर्चा, और चर्चा भी प्यारे की, और बातों की नहीं, प्यारे के ज्ञान ध्यान की नहीं, प्यारे की चर्चा या प्यारे का दीदार। उसकी संतुष्टि इसी बात में, दीदार में सेवा भी आ गई, दीदार में आज्ञा में चलना भी हो गया, दीदार में बहुत कुछ आ गया। और जिस समय भगवान अपने किसी और भक्त से बिजी हैं, उस समय वो भी बैठ के चर्चा कर लेता है। भगवान गाय चराने गए हैं, गोपियाँ बैठ के चर्चा कर लेती हैं, वो काम कर लेती हैं, लेकिन और कोई काम नहीं है। जब खींचती है अंदर से तलब, प्यार, याद, तो देखो पैर उधर को ही भागते हैं। एक बार कहीं के प्रेमी आए गुरुजी के पास, तो बैठ के कमरे में अपना ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। एक सियाणी थी उन लोगों में, अष्टावक्र की बड़ी कायल, वो अष्टावक्र गीता खोल बैठी, आओ हम तुम्हें सुनाएं, आओ हम तुम्हें समझाएं। भगवान को पता चला, उन्होंने बोला तुम लोग ऊपर कमरे में क्या कर रहे थे, सात आठ जने, भगवान अभी आपके हॉल में आने में देर थी, हम लोगों को लगा ज्ञान चर्चा कर लें। भगवान ने बोला यहाँ आके भी तुम लोगों को अभी अपना ज्ञान बाकी है, हॉल में चले जाते, सेवा कर लेते, डस्टिंग कर लेते, चटाइयाँ बिछा लेते, झाड़ू लगा लेते। उन्होंने बोला ये प्रीत की रीति नहीं, तुम बैठे हैं, अभी समय होएगा तो जाएंगे, अभी तो समय नहीं हुआ, चलो हम फलां काम करते आएं, चलो फलां काम करते आएं। बोला जिस प्रेम में सेवा ही नहीं, वो प्रेम कैसा। जिस प्रेम में अपने स्वार्थ घुसे हुए हैं, अपनी सारी सेटिंग करके फिर भगवान के पास जाऊंगा, भगवान से भी ज़्यादा प्रेफरेंस और चीज़ों को, तो वो बोलते थे ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो
चर्चा भी प्यारे की, ज्ञान की नहीं, हम लोगों ने सीखी बात, बोला कि चर्चा भी कर रहे हो प्यारे की करते, दीदार, क्योंकि जब चर्चा करके दीदार करो प्यास बढ़ चुकी होती है, उमंग बढ़ चुका होता है, जोश बढ़ चुका होता है, वो स्थिति होती है तड़प के मिलना और तड़पत के बाद तिरपत, मज़ा तो उसमें आता है। पर अगर कैच नहीं कर पाए उस बात को तो बात नहीं बनेगी। मॉर्निंग में सत्संग होता था सुबह सुबह 6:30 बजे, कई लोग अपना वॉक पे निकल जाएं, कई लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। भगवान बोलते थे तुम लोग 4 दिन भी अपने रूटीन से हट नहीं सकते हो, यही देह अध्यास है। सत्संग हो रहा है और या फिर बेचारे कर कर आके आ गए, सारा कुछ थक के सत्संग पहुँचे, यहाँ आके नींद कर लेंगे, अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, फ़ायदा क्या। बोलते थे 4 दिन तुम आसक्त, आसक्त भाव हो जाता है। जो आसक्ति भगवान में होनी चाहिए वो आसक्ति कहीं कहीं हो जाती है। देखो अपने रूटीन्स में भी आसक्ति हो जाती है। उस दिन कोई आए, मैंने कहा आप आते नहीं हैं, नहीं मैं देरी से उठता हूँ, 1 महीना तपस्या कर लो। अपना रूटीन हम मिस नहीं कर सकते, जो हमारा रूटीन है, अजीब बात है ना, ये भी देह अध्यास है कि हम एक चीज़ को आसक्ति हैं, चिपके ही हुए हैं। और ये आसक्ति होनी चाहिए भगवान में। मीरा को घर से आसक्ति नहीं है, मीरा को परमात्मा से आसक्ति है, कहीं भी रह सकती है, अकेली भी हो सकती है, लेकिन प्यारा चाहिए। सर्वई सुख थे, प्यारा नहीं था, तो मीरा वहाँ से निकल ली। अब ऑफर आ रहा है, लेकिन जहाँ श्री चरणों में शरण मिल गई वहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। बहुत अच्छा एक भजन गाया मीरा ने उस समय, लौटाती जाती थी सबको, बार बार संदेशे आते थे। कहती है नहीं भावे थारो देसलड़ो रंगरूड़ो, थोड़ा सा मारवाड़ी भाषा है, नहीं भावे थारो देसलड़ो रंगरूड़ो, थारा देसा में राणा साध नहीं है, लोग बसे सब कूड़ो, गहना गांठी राणा हम सब त्यागा, त्यागो कररो चूड़ो, काजल टीकी हम सब त्यागा, त्याग्यो है बांधन जूड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर वर पायो छे पूरो। मीरा कहती है राणा तेरा देश बुझे भाता नहीं, बुला रहा है ना बार बार, आ जा। कहती है तेरा देश मुझे भाता नहीं, ऐसा नहीं कि तेरा देश अच्छा नहीं है, रंगरूड़ो मतलब रंगीला तो है, हालांकि तेरा देश बड़ा सुंदर है, रंग बिरंगा है, फिर भी मुझे नहीं भाता है। मतलब क्या हुआ कि अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं रह गया, मुझे क्यों नहीं भाता। कोई भी चीज़ तब भाती है जब आपका उस तरफ इंटरेस्ट होता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों के लिए चीज़ कितनी अच्छी क्यों ना हो, आपके लिए नहीं है अच्छी। कभी कभी कोई खाने की चीज़ होती है, कोई बहुत टेस्ट से खा रहा है, आपका टेस्ट नहीं है, अगला कहता है बहुत अच्छी बनी है, साफ़ सुथरी है, अरे ऐसा नहीं है किसी सस्ती दुकान से मंगाई है,
आप कहते हो नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन मैं पसंद नहीं करता हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी होगी, अच्छी बनी होगी, महंगी दुकान से आई होगी, सारा कुछ एकदम सही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे पसंद नहीं है। सो मीरा भी कह रही है, तेरा जो ये देश है राणा, मैं देश की बुराई नहीं कर रही, देश बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे नहीं भा रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे पसंद नहीं है। देखो नज़रिया ज्ञानी का, वो ये नहीं कहता कि कोई दोष है इसलिए, वो अपने इंटरेस्ट की बात करता है। अपनी जगह बहुत अच्छा है सब, आज 5-star होटल है, क्लब बने हुए हैं, बुरे थोड़ी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट उस तरफ नहीं है, हमारी पसंद की चीज़ें उस तरफ नहीं हैं, हमारे पसंद का माहौल वहाँ पर नहीं है। उनकी निंदा नहीं है, देश बुरा नहीं है, देश बहुत अच्छा है तेरा, लेकिन मुझे नहीं भाता है। क्यों नहीं भाता है? थारा देशा में राणा साध नहीं है, लोग बसें सब कूड़ो। कहती है एक कमी है कि तेरे देश में साधु नहीं है। देश प्यारा है, फूल खिलते हैं वृक्षों पर, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, सूर्य उदय होता है, मौसम बदलते हैं, बारिश आती है, तरह तरह के फल लगते हैं, रात को आकाश वहाँ भी तारों से भरता है। तेरा देश बहुत प्यारा है, देश से शिकायत नहीं है, पर मुश्किल ये है वहाँ साधु नहीं है। अब साधु नहीं है तो फिर मज़ा नहीं है, क्यों? साधु तो परमात्मा को पाने का द्वार है ना, साधु तो खुद परमात्मा का रूप है ना। अब अगर तेरे देश में साधु नहीं है, मुझे इसीलिए देश पसंद नहीं है, सिर्फ इतनी बात है। साध संगत्य स्वर्ग मिसल थे, मथे ना बियो को स्वर्ग, और कोई स्वर्ग नहीं है, साध संगत सबसे बड़ा स्वर्ग है, और जहाँ साध संगत है मेरी पसंद वो है। आप लोग देखते हो आपके बच्चे कभी कभी आप लोगों को फॉरेन बुलाते हैं, कहते हैं आ जाओ, आप कहते हो बेटा हम आ सकते हैं पर हमारा सत्संग नहीं है ना, मज़ा नहीं आता। वो कहते हैं यहाँ सफाई है, बहुत बड़ा बंगला है, बड़ी कंफर्टेबल जगह है। अब जिनका परमात्मा में इंटरेस्ट कम और इन चीज़ों में ज़्यादा, वो फिर भी चले जाएंगे, चाहे यही सोच के कि सत्संग तो वहाँ भी देख लेंगे, पर एक्चुअली जिनको रस आ चुका यहाँ का, वो कहते हैं बेटा हम मना नहीं कर रहे, तुम बुला रहे हो, टिकट भेज रहे हो, प्यार से रहाओगे हमें, पर सब कुछ होते हुए भी हमारा मन नहीं लगेगा। क्यों? हमारा सत्संग नहीं होगा, लोगों के लिए बात अजीब भी हो सकती है, शायद किसी को आप कहो पागल कहीं का, सत्संग के कारण
फौरन जाने की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, हो सकता है। कई लोग अब यहाँ पैसा कम है भारत में, बाहर जाके कमाएंगे, लालच में भी चले जाते हैं, सोचते हो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मीरा जैसी महल को लात मार के भगवान के पास पहुंच गई, तुम भगवान को लात मार के माया के पास पहुंच गए। भक्त उल्टे हैं दुनिया से, एकदम उल्टे। अब मीरा की दृष्टि से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, जहाँ मेरा गुरु नहीं, मेरे गुरु की महफिल नहीं, मैं उस महफिल में जाके क्या करूं। मीरा की दृष्टि से देखो तो भक्त को महफिल ही प्यारे की पसंद आती है, और प्यारे के भक्तों के साथ ही वो रहने में आनंद अनुभव करता है, बाकी चीज़ों का क्या करेगा। ये जग अगर मिल भी जाए तो क्या, अब तुमने बहुत कमा लिया, फिर क्या करोगे, छोड़ के ही जाओगे। बहुत इकट्ठा कर लिया, बड़ा बंगला बना लिया, फिर क्या करोगे, छोड़ के ही जाओगे। जब शरीर ही नहीं रहना तो धन पदार्थ ये सब कहाँ से रहेगा। ज़रूर विचार करना, क्या तुम्हारी चॉइस भी ऐसी है। भगवान बोलते थे, जिस महफिल में तेरे प्रियतम की बात ना होती हो उस महफिल को छोड़ देना, उस महफिल में मत बैठना। होगा किसी किसी महफिल में ज्ञान ध्यान बहुत बड़ा बड़ा होगा, पर बोला प्यारे की चर्चा ना होती हो तो उस महफिल को छोड़ देना, उस महफिल का त्याग कर देना। कहीं शारीरिक सुख तो बहुत मिलते हो, लेकिन प्यारे की बात सुनाने वाला कोई ना हो उस महफिल को छोड़ देना। वो दुनिया वो महफिल मेरे काम की नहीं। मीरा का दृष्टिकोण एक सच्चे भक्त का दृष्टिकोण है, जहाँ प्यारा ही नहीं, वो देश मुझे प्यारा नहीं, जहाँ साथ संगत नहीं वहाँ मेरा कोई काम नहीं, मुझे वहाँ जाके क्या करना, मुझे वहाँ रह के क्या करना, मेरा इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि जब तेरे देश में साधु ही नहीं तो मेरा क्या रखा है वहाँ पर, ये भी शिकायत नहीं है, सिर्फ रीज़न बताया ना आने का। सिर्फ एक अपना इंटरेस्ट बताया है कि जहाँ साधु नहीं है, जहाँ ये महफिलें नहीं हैं, मेरा मन वहाँ नहीं लगता है। ये मत कहना ये भी भगवान की महफिल है, दुनिया भी भगवान ने बनाई, घूम लो फिर लो देख लो ऐसे कर लो, ये सब अपने को ठगने वाली बातें, धोखा देने वाली बातें हैं, अपने आप को उलझाने वाली बातें। क्योंकि सच तो ये है कि भक्त का मन कभी भगवान के बिना लगेगा ही नहीं, कोई महफिल उसको पसंद नहीं आएगी, कितनी प्यारी महफिल क्यों ना हो।
भगवान बोलते थे तुम अपने वहाँ जाके भी ऐसी महफिल सजाओ, लेकिन ना तो हिम्मत पड़ती थी ना शौक उठता था। भगवान बोलते थे इतने अच्छे भजन गाते हो, रौनक लगाते हो, अपने वहाँ भी महफिलें सजाओ, पर लगता था आप बीच में हो तो सजे ना भाई, हम लोग बिना दूल्हे के बारात निकाल के करें क्या? बारात देखो खाली दूल्हा ना हो, बारात कहेगा ही कोई नहीं, जलूस कहेंगे, कहेगा कोई बारात? बारात का मतलब ही है घोड़ी पर एक दूल्हा बैठा होना चाहिए, सजा संवरा सेहरा बांध के। मेरा प्यारा सजा संवरा विराजमान होना चाहिए सुंदर सेहरे बांध के, वो हमारे भावों के, लेकिन उसके बिना महफिल कैसी? कभी यहाँ आए होते थे तो अचानक कहीं मजबूरी जाना पड़ता था, जो बच्चे साथ आए होते थे उनको ही बोलते थे अच्छा तुम जाओ, शादी का सत्संग है करते आओ, रौनक लगाए आओ। अब होके तो सब आ जाते थे, सेवा दी गई, भगवान बोलते थे खूब रौनक लगी, मज़ा हुआ खूब। एक बार एक लड़की को भेजा था, लौट के आई तो उससे पूछने लगे हो गया अच्छे से, तो बड़ी अच्छी उसने बात बोली, बोला दूल्हा बिठा लिया आपने यहाँ, बारात सजवा दी वहाँ, और अब आप मेरे से पूछ रहे हो अच्छा हो गया, मुझे ही नहीं मज़ा आया, बार बार ऐसे लगे मैं पागल हूँ क्या, यहाँ भजन गा रही हूँ वो वहाँ बैठे हुए। प्रेम की बात हुई ना भाई, कोई प्यारे के बिना महफिल के बिना महफिल सजा बैठे क्या मजा आएगा, क्या आनंद आएगा उसको? सिर्फ एक दिखावा। एक कीर्तन भी करते हो लगता है ना ईष्ट की परमात्मा की मूर्ति तो रखें बीच में, एक जोत तो जलाएं, अब प्यारा ही नहीं बीच में किसकी महफिल? या तो कोई नकली प्यारा बन जाए, नकली प्यारे भी बन जाते हैं। देखा तुमने स्टेज पे जब ड्रामा चलते हैं, ना ओरिजिनल कृष्ण ना मूर्ति, किसी एक को स्वांग पहना दिया जाता है। पर अगर ड्रामा फ्लॉप हुआ, ये जो बना हुआ कृष्ण है ना जूते खाता है, खाने ही पड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने मार खाई थी इसी तरह से, भगवान को कर दिया चैलेंज, भगवान भी बोला है सबको एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, मारना उसको आए तो। तो महफिल में प्यारा नहीं तो जो महफिल होल्ड कर रहा होता है वो अपने को ही प्यारा बना देता है, मैं ही तुम्हारा कृष्ण हूं। ये नहीं, मीरा
कृष्ण से कम कुछ स्वीकार नहीं कर सकती, अपने आप को तो बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकती, ये भक्ति है। असल भक्ति है कि वो केवल कृष्ण को स्वीकार करती है और उन साधुओं को स्वीकार करती है जो मेरे कृष्ण की महिमा करते हैं, चर्चा करते हैं, वाहवाही करते हैं उसकी। मेरी वाहवाही करते हैं वैसा साधु भी नहीं चाहिए। वो साधु जो मेरे प्रियतम की बात करे, वो साधु जो मेरे प्यारे की बात करे, वो साधु जो मेरे सतगुरु की बात करे। अब तेरे देश में राणा सतगुरु भी नहीं है। चल, एक आकर्षण होता अगर रविदास जी वहां रह रहे होते, वो तो फॉर द टाइम बीइंग आए थे ना, रिटर्न करते हुए आए थे, चमारों की बस्ती में ठहरे थे। कह रही है तेरे देश में राणा सतगुरु भी नहीं है। मेरे सतगुरु होते मैं फिर भी आती, उनके लिए आती। उनका तुमने मंदिर भी ना बनाने दिया, उनकी तुमने सात संगत भी ना जुटने दी, वो भी आकर्षण नहीं है आने का। चलो मेरे सतगुरु का मंदिर होता, स्थान होता, उनकी वहाँ संगत बैठी होती, उनकी महिमा हो रही होती, मैं तब भी आ जाती। अब मेरे पास वो भी आकर्षण नहीं है, क्या करूं आकर के? साधु तेरे यहां नहीं, सतगुरु तेरे यहां नहीं, फिर कुछ ऐसी रीत है तुम्हारे वहां, भक्त जनों का आदर तो छोड़ो, भक्ति में विघ्न पैदा करना, भक्ति नहीं करने देते हो, परंपराओं को मानते हो, अंधविश्वास को मानते हो, और रूढ़िवादियां बना के बैठे हो, लेकिन सच्ची भक्ति में डूबने नहीं देते हो। तो थारा देसा में राणा साध नहीं है, लोग बसे सब कूड़ो। लोग बसे हैं कैसे? झूठे। फिर ध्यान देना, मीरा किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही झूठे होने का। झूठे माना जो भगवान की भक्ति नहीं करते, झूठे माना जो माया को सच मान के बैठे, झूठे माना जो सतगुरु की महिमा नहीं समझते, झूठे माना जो सत पुरुषों को भी बाहरी कर्मों से, जात पात से तौलते हैं। लोग बसे सब कूड़ो, उनको कह रही है कूड़, भाई ये झूठे लोग हैं, इनकी महफिल झूठ है, ये सच थोड़ी है, माया में पड़े हैं, संसार को सच मान रहे हैं, संसार की महफिलों को सच मान रहे हैं, ये नहीं, ये झूठे लोग हैं सारे। जो झूठ में पड़ा वो झूठा, जो सत परमात्मा से जुड़ा वो सच्चा। मीरा का सिद्धांत है, जो सत परमात्मा से जुड़ा वही सच्चा, जो झूठ में फंसा पड़ा है, झूठ से जुड़ा पड़ा है, वो झूठा। तो लोग बसे सब कूड़ो, और कोई अर्थ मत लेना कि वहाँ झूठे लोग हैं, कपटी लोग हैं, आडंबरी, इतनी बातें मीरा नहीं करती। उसका मतलब अपने प्यारे से
भाई सच्चे लोग होते सच परमात्मा को कबूल कर लेते, झूठे लोग हैं झूठ पकड़े बैठे, सच को पकड़ना नहीं चाहते, सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सच से चित नहीं जोड़ सकते, तो लोग बसे सब कूड़ो। मेरी नज़र में वहाँ झूठे लोग हैं, अपने अहंकार से ग्रस्त लोग हैं, मुझे उस महफिल में आने का कोई मज़ा नहीं। मुझे चाहिए साथ संगत जो सच्चा सिमरन कराए, मुझे चाहिए साथ संगत जहाँ प्यारे की चर्चा हो सके, मुझे चाहिए वो महफिल जिसमें मैं अपने प्यारे से जुड़ी रह सकूं। बाकी चीज़ों का मुझे कुछ नहीं करना, बाकी चीज़ों से मुझे कोई सरोकारी नहीं। मीरा का ये सिद्धांत है, देखो फर्क तो पड़ता ही है। आज अगर हमारा इंटरेस्ट इस तरफ हो जाए, वो महफिलें कहाँ अच्छी लगती हैं? लोग कहेंगे तुमने छोड़ दिया, आप बोलोगे मैंने छोड़ा भी नहीं, लेकिन बस मुझे अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, अब वो सब भाता नहीं है, इतना ही तो होता है। जो पहले भा रहा था अब वो भाता नहीं, अब ये वाला समय आलस निद्रा भाती थी, अब बिना अलार्म के भी आँख खुलती है, अंतर आ जाता है। पहले रोज सोचते थे मासी चाची के हुए, आज मॉल हुए, आज किसी अम्यूजमेंट पार्क हुए, आज फलानी जगह घूम आए, और अब अगर कोई प्रोग्राम भी बनाने लगे अंदर अंदर प्रेयर शुरू हो जाती हैं, भगवान मेरे इतनी अच्छी महफिल ना छुड़ाओ मेरे से, मेरे को तो यही चाहिए। देखना इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। अब लालच कितना बड़ा आ जाए सामने, नहीं चाहिए, अंदर वाला कहेगा नहीं ये नहीं। गीता भगवान को ऑफर किया गया वर्ल्ड टूर, टिकट्स भी अरेंज हो गए। भगवान बोलते हैं मेरी खुशी जानना चाहोगे, हाँ आपकी खुशी के लिए तो इंतज़ाम हुआ, मेरी खुशी है माथेरान चलें, एक महीने के लिए बंगला करें, गुरु लोगों को बुलाएं, प्रेमियों को बुलाएं और यज्ञ करें, मेरी खुशी इसमें। ये भावनाओं में फर्क होता है। प्रेमी को कोई सुख भी चाहिए हो, कहेगा प्यारे के साथ लेंगे, उनको ले आएंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे, उनके साथ घूमेंगे, उनके साथ खाएंगे, उनके साथ ऐसा करेंगे, ये प्यार की बात हो जाती है। कहीं कुछ देख भी आओगे ना, फिर मन करेगा मौका लगा ना उनको ले आएंगे, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। दिल्ली में कोई नई चीज़ बनती थी ना, शोर तो मचता ही था, फिर हम सारे जब संडे को मिलते थे मेन फिर हम लोगों के बीच ये अब की बार भगवान आएंगे ना, नोट कर लो यहाँ ले चलना है, लिख लिख के रख लेते थे चीज़ें, अब भगवान आएंगे ना ले चलेंगे। एक जने को बोलते थे चक्कर मारा, सारा पता हो
देख लो भाई बैठने की जगह, खाने का सब अरेंज हो सके और टाइम कौन सा अच्छा रहेगा। लेकिन सबका एक मत होता था, आएंगे भगवान उनको लेके चलेंगे। अच्छा, ऐसा भी देखा कई प्यारों का प्यार भगवान के, बेचारों के घर छोटे, नहीं बुला सकते, कहीं इंतज़ाम कर लेते थे रेस्टोरेंट वगैरह में, बोला बच्चों के बर्थडे होते हैं हम इंतज़ाम करते हैं, खर्चे करते हैं, कोई बात नहीं, हम अपने घर बुला नहीं पाए ना, हमने यहाँ इंतज़ाम कर लिया, थोड़े लोगों को बुला लिया, या वो खुद एरिया के लोग हो गए भगवान के साथ, हम लोग मेन मेन सब चले गए। तो क्या भाता है प्रेमी को, यही सब अच्छा लगेगा उसको, उसके अपने सुख के लिए ऑफर भी मिलेगा, वो कहेगा मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो उनके लिए, ये तो उनको शोभा देगा, ये तो उनके लिए अच्छा लगेगा। कोई चीज़ खरीदते थे, देखते थे, अरे रख दो ये चादर, जब भगवान आएंगे ना तब अच्छी लगेगी, ये कप प्लेट रख दो, भगवान आएंगे तब निकालेंगे, ऐसे ही दहेज जुड़ जाता था उनके आने से पहले बहुत सारा। सिर्फ इस भावना से कि ये तो उनको शोभा देगा, ये तो उनको अच्छा लगेगा, ये तो उनको प्यारा लगेगा, ये चीज़ तो उनके हाथ में शोभा देगी, फलां जगह तो महफिल उनकी सजेगी तो मज़ा आएगा, वही मीरा की स्थिति है। सब कुछ चाहती है प्यारे के साथ, और अब जो मंदिर में बैठी है ना, यहाँ इसका अपना राज है, सारा दिन प्यारे के सिमरन में डूबी रहे, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, कोई ये भी नहीं कहेगा खा ले। देखा है कभी बहुत लॉ लगी हो ना, ऐसे लगता है कोई रोटी पूछने भी ना आए, परे रहे, अपनी आनंद में डूबे हैं, भोजन भी नहीं अच्छा लगता, पानी भी नहीं चाहिए होता। मीरा को असल वो सुख मिल रहा है जो वो ढूंढ रही है बचपन से। भजन नहीं गाते, आ बैठ के करिए गल शामा, हिक तू होवे हिक मैं होवा। वो मीरा को वो जगह मिल गई है जहाँ अकेली बैठ के प्यारे से बतिया सकती है, बातें कर सकती है, अपने भाव पूरे कर सकती है, नाच सकती है, गा सकती है। तो कह रही है तेरा रंगीन देश मेरे हिसाब से बेरौनक है, वैसे तो रौनकों वाला है, मेरे हिसाब से बेरौनक है, बड़े लोग हैं पर ऊपर ऊपर से उथले लोग हैं, कोई भक्तिवान आत्मवान नहीं मिल रहा, अब मेरे हिसाब से रौनक नहीं। मीरा की महफिल कौन सी है? मीरा की महफिल है प्रेमियों की महफिल, दीवानों की महफिल। राणा के वहाँ अभी तो बैठा ही है ये उदय सिंह, बाकी लोग तो वही के वही हैं, अहंकारियों की महफिल, षड्यंत्रकारियों की महफिल। उसको चाहिए प्रेमियों की महफिल, दीवानों की महफिल। क्यों? जब सारे मेरे काना के दीवाने मेरे साथ बैठे होंगे तो रंग आएगा महफिल में। मेरे दीवाने हो तो भी नहीं, जग दीवाने हो तो भी नहीं, प्रेमी किसको ढूंढता है? ऐसे लोग जो सारे मेरे प्रियतम के दीवाने हों,
बैठें तो प्रियतम की चर्चा छेड़ लें, बैठें प्रियतम की बातें छेड़ लें, बैठें उनकी चर्चा करें। ऐसी महफिल भक्त को पसंद आती है, बाकी महफिलें उसको बेजान लगती हैं, बेरौनकी लगती हैं, उनमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। व्यर्थ बातें करके क्या करना, बाकी सब तो बेकार बातें। रौनक तो प्यारे से, रौनक प्यारे की बातों से, रौनक प्यारे की महफिल में। तो मीरा कहती है, थारा देसा में राणा साध नहीं है, लोग बसे सब कूड़ो। गैना गांठी राणा हम सब त्यागा, त्यागो कररो चूड़ो। काजल टीकी हम सब त्यागा, त्याग्यो है बांधन जुड़ो। कहती है हमने सब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? गैना गांठी राणा हम सब त्यागा। गैना गांठी, हाथों की चूड़ियाँ, काजल टीकी, सब श्रृंगार के साधन, यहाँ तक कि बाल बांधने भी छोड़ दिए। ये बातें बाहर की, बाहर के श्रृंगार में भाई सुहागन होने के चिन्ह थे, सुंदर दिखने की बात थी, संस्कृति की बात थी। असल में इन सब बातों से मीरा ये कह रही है, रही सही दुनियादारी भी छोड़ आई। भाई थोड़ा तो वहाँ रहती थी ना, जब यहाँ त्याग वो त्याग मत समझ लेना, जब वहाँ रहती थी तो बेचारी अपनी तरफ से तो कोशिश करती थी ना, थोड़ा सा उन लोगों की चल मान लूँ, पहनना पड़ता होगा थोड़ा वेश स्वागन वाला, नहीं और ही शोर मच जाता। बाल बांधने पड़ते होंगे, काजल टीकी लगानी पड़ती होगी, गहने पहनने पड़ते होंगे, निकल ली वहाँ से। मतलब कह रही है, ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म बंधन भी थे मैंने ये भी काट लिए, अब मुझे क्या डर कोई सुहागन कहे कोई विधवा कहे। असां प्यार तेरे नाल पा लिया, फकरां दा वेश बना लिया, असां प्यार तेरे नाल पा लिया। मैंने तो अब फकीरों वाला वेश बना लिया। दुनिया में रहते हुए पहले कहते थे सुहागन बन के रह, फिर कहते थे विधवा बन के रह, कभी कुछ कहते थे कभी कुछ, स्थितियों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, मर्यादाओं के हिसाब से, बाहर से शरीर की भी करनी पड़ती थी। अब मीरा कह रही है, मैं बेपरवाह, मुझे कोई टेंशन नहीं गहनों की, कोई टेंशन नहीं काजल टीकी की, ये भी टेंशन नहीं कि मुझे बाल बांधने, इससे भी रिलैक्स हो गई। स्वामी राम तीर्थ जंगलों में जाते थे, नहाने से भी छूटे, जंगलों में पानी कहाँ से आए। कहता था, वर्षा रानी आई आज मुझे खूब नहला के गई, भगवान को गत पड़े नहला दे, उतनी तकलीफ से भी छूटा। ये बड़ी अजीब महफिल है, उसका भी गोलू यार से प्यार बहुत था, भले ज्ञान में बड़ा वो आगे, पर भक्ति आधार था, भक्ति के आधार के बिना ज्ञान नहीं। जो भी गड़े हुए हुए ना ज्ञान में पक्के, सबको भक्ति का आधार, वो गोलू यार को मानता था, रामकृष्ण परमहंस माता की भक्ति करते थे, भक्ति के जहाँ स्ट्रांग आधार थे वहीं ज्ञान टिका, पात्री वहीं तैयार हुए। असल तो यही बात है। अब मीरा को भी प्रीत बहुत, वो कहती है मैं ये सब भी नहीं, जहाँ भक्त को भगवान से दिमाग हटा के कहीं लगाना पड़ेगा ना, वो आपको वहाँ से भागता हुआ नजर आएगा, अंदर का इंटरेस्ट है। ये नहीं कि ध्यान तो वहाँ जा रहा है, जबरदस्ती ओट के ज्ञान बैठा हुआ है,
ये बंध ज्ञानी करते, प्रेमी का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता। अब समझो कोई तुम्हें छोड़ गया, एक है तुम जबरदस्ती अपने को विचार दिए जा रहे हो, नहीं नहीं जो नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं है, फलान टीर। एक होता है मैं तो पहले ही प्यारे से रत्ता पड़ा था, मुझे पता ही नहीं है भी के नहीं, असंगता भीतर की। वो अनुभव तो सही है कि पहले ही असंगता थी, लेकिन अंदर संग दोष था, बाहर असंगता दिखा रहे थे हम, तो कहीं ना कहीं चुभन टीस वो होएगी। मीरा बता रही है मैं तो पहले ही असंग थी इन सब झमेलों से, सो अब मुझे कोई फर्क नहीं, अब ये नहीं लग रहा मैं चली जाऊं, फिर स्वीकार कर लूं, महारानी होकर के रहूं, ऐसा श्रृंगार करूं, आभूषण पहनूं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनूं, तो पहले ही त्याग भावना से बैठी थी। ज्ञानी त्याग भावना से बैठा रहता है, पर अगर सरकमस्टेंसेस हो जाएं तो त्याग करने में भी पीछे नहीं हटता। फिर कहता है उल्टा जान छूटी, हटो अपना यहां से भी, सुविधा हो रही है अगर तो क्यों ना फायदा उठाया जाए। भाई जितनी बाहरी माया होगी ध्यान तो जाएगा, उससे भी छूटे। तो श्रृंगार था दिखावे के लिए, पति के लिए, स्वागन कहलाने के लिए, समाज ने बना रखा है ना स्वागन का श्रृंगार ऐसा, विधवा का श्रृंगार ऐसा, समाज ने बना रखा है। फिर राजघराने के लिए और चीज़ें, साधारण लोगों की तरह तो वहाँ की विधवा नहीं रह सकती है। उसका अलग तरह का सादगी वाला श्रृंगार तो होगा, गहना कपड़ा तो अच्छा होगा। तो मीरा कह रही है असल में तो मैं इस लोक वासना से भी छूटी, तेरे देश के लोगों ने बड़े नियम कानून प्रथाएं, दुनिया भर का दिमाग खराब कर रखा था, तू कह रहा है वापस आ जा, सारे वही कूड़े लोग, कूड़ी परंपराएं मानने वाले, मैं तो बड़ी मुश्किल इन सब झमेलों से छूटी हूं। गहना गांठी काजल टीकी सबसे छूटी बड़ी मुश्किल से, मतलब ये कि मैं सारी परंपराओं को छोड़ चुकी, अपने भगवान के प्रेम में ये सारी दुनियादारी सारी परंपराएं, मैं इन सबसे बाहर निकल गई, ऊपर चली गई इन सबसे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर वर पायो छे पूरो, बहुत प्यारा सेंटेंस। एक तो कबीर ने कहा था, कहे कबीर मैं पूरा पाया। मीरा का वचन और भी प्यारा, वर पायो छे पूरो, कबीर ने सत्य की बात करी, कहे कबीर मैं पूरा पाया सब घट साहेब डीठा, मतलब उसने बात की सत्य की। लेकिन एक भक्त के लिए सत्य प्रियतम बन के आता है। मीरा की नज़र से देखना, और किसी सत्य को स्वीकार नहीं करती। मजनू भगवान को कहता है अगर तुझे मेरा प्यार चाहिए लैला बन के आ। ये आशिकों की बात है। मीरा सत्य को प्रियतम के रूप में स्वीकार करती है और प्रियतम को आना पड़ता है, सत्य को प्रियतम स्वरूप होके आना पड़ता है। ये नहीं कि बोले प्रियतम से सत्य मिल जाए, सत्य को तो भक्त देखता है सूखा सूखा, कहते हैं सत्य है तो सही रूखा सूखा है, प्रेम की हरियाली चाहिए इसमें, प्रेम इसको खिलाएगा, प्रेम इसको हरा भरा बनाएगा,
जब तक के सत्य में प्रियतम ना दिखाई दे जाए, प्रेमी को शांति नहीं। ज्ञानी को सत्य काफी है, वो संतुष्ट हो जाएगा, सत्य मिल गया मुझे वो संतुष्ट हो जाएगा, मैंने सत्य पा लिया। भक्त कहेगा ना, अकेला सत्य मरुस्थल, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सत्य प्रियतम के रूप में आए मैं तो वरूंगा उसको, मीरा कृष्ण के रूप में सत्य को वरती है। ये प्रेमियों की भावना होती है। सत्य वरा रामकृष्ण ने माता के रूप में वरा, काली माता के रूप में वरण किया। सत्य का वरण हम करते हैं, गुरु के रूप में किया, और कोई सत्य समझ नहीं आया, ये सत्य समझ में आया। ज्ञानियों ने कहा सत्य सुंदर है, प्रेमियों ने कहा मेरा श्याम सुंदर सत्य है, ये फर्क आ गया। इसीलिए मीरा बहुत प्यारी बात कह रही है, वर पायो छे पूरो, पूरा वर मिला, मतलब सत्य मुझे अपने परमात्मा के रूप में मिला, मैंने अपना प्यारा पा लिया, अपना प्रियतम पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं। ठीक